नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कपास की फसल प्लस सोयाबीन की फसल जो अभी के समय में कई किसानों लगा भी दी और कई किसानों की थोड़ी बहुत बाकी है, तो अभी वो जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई तो वो भी लगा लेंगे। तो उसके अंदर जो पहला स्प्रे और बेसल डोज के अंदर कौन कौन सा ऐसा खाद यूज करें जिससे उनकी उत्पादन क्षमता और भी ज़्यादा बढ़े और फसल को कई सारे फंगस कीट इनसे बचाव हो सके। तो सबसे पहले अपने बेसल डोज की बात करें तो आप चाहे कपास के फसल में यूज़ कर सकते हैं या फिर सोयाबीन फसल के अंदर, जो मेनली सभी इलाकों में सबसे ज़्यादा किसान भाई करते हैं। जिन इलाकों में कपास करते हैं वो कपास के लिए भी यूज कर सकते हो, सोयाबीन में भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले बेसल डोज के अंदर बात करें तो जब आप बुवाई करते हो उससे पहले तो आपको सब पता ही है, वो देसी खाद वगैरह आता है FIM, अपना जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है वो यूज़ करते हैं। ये अपने लगभग आपका 4 से 5 टन पर एकड़ के हिसाब से यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऐसे कौन सी खाद या कीटनाशक फंगीसाइड लगाए जो आपकी फसल को स्टार्टिंग अवस्था में जड़ों के विकास पौधे के अच्छे बढ़वार के लिए अच्छा रहे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करें तो अगर उसमें जैसे मान लो कई ज़मीन सभी किसानों के अलग अलग रहते हैं, कई जैसे हल्की रेतीली होती है, कई गहरी ज़मीन भी रहती है जिसमें जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सभी का अलग अलग। जैसे मान लो अभी कई इलाकों में गहरी रेतीली भी होती है ज़मीन, तो उसके अंदर बेसल डोज में आप SSP का यूज करना जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि क्या होता है इसमें SSP में अपना फास्फोरस लंबे समय तक वो ज़मीन में बना रहता है जो पौधों की जड़ों के विकास के लिए बढ़िया रहता है। प्लस इसके अलावा अपने कई जगह ज़मीन में देखा होगा कि ज़मीन थोड़ी गहरी होती है, बालू मिट्टी टाइप में नहीं रहती, दूसरी रहती है, तो उसके लिए आप उसमें SSP की जगह MOP भी यूज़ कर सकते हैं। अगर MOP उपलब्ध नहीं हो तो यूरिया का भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी डोज की बात करें तो SSP लगभग आपको 100 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूज लेना है, प्लस यूरिया और MOP 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूज लेना है। ये तो हो गया अपने यूरिया और MOP, ये तो अपने ज़मीन के आधार पर। प्लस इसके साथ अपना क्या जोड़े, जैसे कि अपने ज़मीन के अंदर आप अच्छे विकास जड़ों के विकास के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अपना यूरिया तो दिया ही है, प्लस अपना यूमिक एसिड यूज कीजिए सबसे अच्छा रहता है, प्लस जिब्रेलिक एसिड रहता है ग्रैनुल में भी मिलता है वो, जिसे आप यूज कर सकते हो। प्लस इसके अलावा आप NPK का यूज कीजिए, NPK अगर आपको मिल जाए 19-19 है या 20-20 है वो यूज़ कीजिए। अगर उस अभी इस बेसल डोज में यूज़ नहीं करना चाहते तो स्प्रे में भी अपने बताएंगे आगे, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया, इसके साथ आप उसमें बोरोन लीजिए, यानी कि फसल ये अपने सबसे ज़्यादा ये कपास और सोयाबीन की फसल है जिनके अंदर फ्लावरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो उसके लिए आप 20% वाला बोरोन आता है वो 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से वो इसमें साथ में यूज कीजिए। प्लस इसके अलावा आप अगर यूज करना चाहते हो तो अपना इंसेक्टिसाइड में यानी कीटकनाशक के लिए, तो आप ग्रैनुल में देखना जाए तो अपना क्लोरनिटोफॉस करता है, यानी कि नॉर्मली फटेरा नाम से आता है अपना, उसको आप यूज कर सकते हैं 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से, जो लंबे समय तक आपकी कोई भी जैसे सकिंग पेस्ट वगैरह होता है या ज़मीन में कीड़े वगैरह भी होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम अच्छा करता है। तो ये तो ग्रोथ और अपना कीटक के लिए हो गया। अभी साथ में आप कई ज़मीन पर आपका रहता है जैसे फंगस का भी रहता है, जैसे विल्ट वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो उसके स्टार्टिंग अवस्था बचाव के लिए आप नॉर्मली बायोलॉजिकल यूज भी कर सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह या वो हो गया। अगर वो नहीं मिले तो आप नॉर्मली अपना कार्मेटिजम प्लस मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है वो आप लगभग 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में यूज कर सकते हैं। ये सब हो गया बेसल डोज की बात। अब बात करें अपने ये दोनों फसलों में यूज़ कर सकते हैं आप, चाहे कपास हो या फिर आपके पास सोयाबीन की फसल हो, दोनों में ये चलेगा। अब रही बात ये बेसल डोज की बात, अपने सबसे ज़्यादा सवाल रहता है कि पहला स्प्रे अपना कौन सा ऐसा करें जिससे फसल की स्टार्टिंग अवस्था में ग्रोथ भी अच्छा हो, प्लस फसल के अंदर जो लगने वाले कीट वगैरह रोग भी रहता है उन सबसे बचाव हो सके। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, सबसे ज़्यादा किसान अभी कंफ्यूज रहता है कि पहले स्प्रे में कौन सा ऐसा टॉनिक लगाए जिससे पौधों का अच्छा विकास हो सके। तो ऐसा आप टॉनिक यूज कीजिए जिससे कि आपका फसल की अच्छी हो, जैसे कि मान लो कई ज़मीन में विल्ट वगैरह फंगस का प्रॉब्लम रहता है, तो उसके अंदर आप जैसे अपना नॉर्मल यूज करते हैं जैसे जिब्रेलिक एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, या फिर अपना इंडोल बिटोरिक एसिड हो गया, या फिर नेप्थलिक एसिटिक एसिड हो गया, इन सबको आपको अवॉइड करना है, इन सबको आपको लेना नहीं है। अगर आपकी फसल या फिर ज़मीन में फंगस का प्रॉब्लम नहीं है तो इन सभी में से कोई भी आप यूज़ ले सकते हैं, अगर है तो ये यूज़ नहीं लेना है। मान लो अभी इन फसल में कोई भी ऐसा मतलब ज़मीन में फंगस वगैरह नहीं है तो आप इसमें जिब्रेलिक एसिड है, यूमिक एसिड है, फुलविक है, साइटोकाइनिन है, सीविड एक्सट्रेड है, ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे मार्केट में मिलता है आपको, कई सारी कंपनियों को भी मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो अपना नोबल क्रॉप साइंस का आता है स्प्रिंग एवर से फॉर एवर नाम से आता है प्रोडक्ट, वो आप यूज़ ले सकते हैं। उसको आपको 250 ml से 300 ml पर एकड़ के हिसाब से यूज़ लेना है,
प्लस इसके साथ कॉम्बिनेशन में आपको लगाना है अपना कोई भी फंगिसाइड लगाना है, यानी कि फसल की स्टार्टिंग अवस्था में बहुत सारा फंगस की प्रॉब्लम रहती है। जैसे मान लो कभी ज़्यादा बारिश होती है तो फंगस लगने का प्रॉब्लम रहता है, तो उन सब से बचाव के लिए अपने आप यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने बताया जैसे बेसल डोज में अगर भूल जाओ तो इसकी जगह आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, मैंकोजो प्लस कार्बोनेजियम। अगर वो नहीं मिले तो आप एजोक्सटोबिन टैबुकोनाजोल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब रही कीटकनाशक की, तो सबसे अच्छा अपना कीटकनाशक रहता है जो नॉर्मली अपना है, जैसे एफिड एसिड लगता है। कोई ऊपरी इलाकों में जैसे बादल की प्रॉब्लम होती है, बादल वगैरह रहते हैं तो इल्ली का भी प्रॉब्लम रहता है, तो इसके लिए आप अच्छा कॉम्बिनेशन लेमन सालियोथिन प्लस अपना थाइमेथोक्सोन वाला आता है वो वाला आप यूज कर सकते हो। उसकी डोज की बात करें तो 250 ml पर एकड़ के हिसाब से वो यूज़ ले सकते हो, जिससे कि पौधे की फसल में कोई भी इंसेक्ट वगैरह लंबे समय तक आपकी फसल में रहता नहीं। तो ये सब आप यूज़ करने के बाद अगर इसके अलावा भी आपको कोई और भी फसल से संबंधित जानकारी की लगती हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें कॉल मैसेज करके हमें जानकारी दे सकते हो। धन्यवाद।